हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में चार धाम के दर्शन का महत्व बताया गया है और उन्हीं चार धाम में से एक है जगन्नाथ पुरी। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ पुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है। इस मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र है जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा। ये रथ यात्रा किसी त्योहारों से कम नहीं होती है। देश विदेश से लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि यह रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? आइए जानते हैं इसके कुछ रोचक कारण। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए, जिसके बाद वो मौसी के घर गुडीचा भी गए और 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से ये रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के मामा कंस उन्हें रथ पर मथुरा बुलाते हैं, जिस पर सवार होकर वो अपने भाई के साथ मथुरा जाते हैं। तभी से ये रथ यात्रा शुरू हुई है। कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से कहती हैं कि वो उनको रासलीला की कहानियां सुनाएं। माता रोहिणी को ऐसा लगता है कि कृष्ण की गोपियों के सामने सुभद्रा को ये कहानी नहीं सुननी चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण और बलराम को रथ यात्रा के लिए भेज देती हैं। तभी वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर साल इनके दर्शन साथ में होते रहें। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और तभी से इस रथ यात्रा को निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ से पहले पवित्र वृक्षों की लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। इसके बाद इनसे रथ का निर्माण किया जाता है। इस रथ में नीम की लकड़ियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इसे 3 रथों का निर्माण किया जाता है। एक रथ में 14 पहिए, दूसरे में 16 और तीसरे में 12 पहिए होते हैं। साल में पहली बार ऐसा होता है जब मंदिर के गर्भ में मूर्तियों को बाहर निकाला जाता है और इनकी रथ यात्राएं कराई जाती हैं। इसके बाद इन्हें वापस स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। ये महोत्सव सिर्फ जगन्नाथ में नहीं होता, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद मंदिरों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन को त्योहार की तरह ही मनाया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आज ही लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।